मैं स्टैनली मैकवान, मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दानियल भविष्यवक्ता, उनको परमेश्वर ने एक दर्शन बताया था और दर्शन में ये बताया था कि मैं जब दूसरी बार आऊँगा, मतलब प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे, तब तक 70 सप्ताह बीत जाएंगे। तो ये जो 70 सप्ताह बीतने वाले हैं, उसमें आखिरी सप्ताह जो है, मतलब कि 7 साल, वो मसीह के विरोधी को दिए गए, एंटीक्राइस्ट को दिए गए। तो ये आखिरी 7 सप्ताह, ये एंटीक्राइस्ट का एक सप्ताह या एंटीक्राइस्ट को दिए गए हुए 7 साल, वो कैसे होंगे, उस वक्त क्या होता होगा, इस वक्त दुनिया कैसे चल रही होगी, एंटीक्राइस्ट क्या करेगा, मसीह का विरोधी कैसे इस धरती के ऊपर राज करेगा, उस वक्त परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर के लोगों का क्या हाल होगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 24 से लेकर 27 वचन तक। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कुंगरे पर उजारने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजारने वाले पर पड़ा रहेगा। ये देखो, ये परमेश्वर का वचन है और यहाँ पर परमेश्वर ने जो बात बताई है वो है प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन की, और उस वक्त कितना वक्त बीतेगा वो यहाँ पर बताया हुआ, उसकी गिनती भी बताई हुई। ये सारी गिनती इसके बाद जो मैं वीडियो रखने वाला हूँ उसमें वो सारी गिनती मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन वो मिल जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है आखिरी सप्ताह के बारे में, जो 70वां सप्ताह है आखिरी सप्ताह, जो मसीह के विरोधी को दिया गया, आखिरी 7 साल जो मसीह के विरोधी को दिए गए, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और यहाँ हम पढ़ते हैं एक बार फिर से इसका 26 और 27 वचन। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। आने वाले प्रधान की प्रजा, ये आने वाला प्रधान मतलब मसीह का विरोधी, उसके बारे में बात किए। आने वाला प्रधान मतलब मसीह का विरोधी, फिर आगे पढ़ो। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी फिर, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो प्रधान बहुत लोगों के साथ 1 सप्ताह की वाचा बांधेगा, मतलब लोगों के साथ एक करार करेगा, एक वाचा बांधेगा। ये आखिरी सप्ताह 1 सप्ताह की वाचा बांधेगा, और क्या लिखा है, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, लेकिन आधा सप्ताह बीतने पर मतलब 7 साल उसको दिए गए, उसमें से आधा सप्ताह मतलब 3.5 साल के बाद, पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वो मेल बलि और अन्न बलि मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बंदगी, वो सब कुछ वो बंद करवा देगा। इसका मतलब ये है कि जो मसीह का विरोधी है उसके पास आखिरी 7 साल है,
और आखिरी 7 साल जो है वो 7 साल के भी दो हिस्से हैं, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले वो वाचा बांधता है लोगों के साथ, और वाचा बांधता है तो उस वाचा को वो बीच में तोड़ देता है, मतलब कि 3.5 साल के बाद वो वाचा तोड़ देता है। इसका मतलब जब वो वाचा तोड़ता है और अन्नमलिन मेल बलि मतलब परमेश्वर की आराधना सब बंद करवाता है, तो उससे पहले उसने उस बात में छुट्टी दी होगी कि जिसको जो भी करना है करो, जिसको जिसको भी मानना है उसको मानो, मतलब उसने इस धरती के ऊपर शांति फैलाई होगी। आखिरी सप्ताह में जो शुरू के 3.5 साल है उसमें उसने शांति बनाए रखी होगी, लोगों को भी बोला होगा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सभी लोग शांति से वो रहते रहो। और फिर यह जो मसीह का विरोधी है उसका जो टारगेट है, उसका जो काम है, क्यों आया है वो इस धरती पर, तो उसका काम है, और बाइबल से हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, और वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये जो है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, वही है मसीह का विरोधी। फिर आगे क्या लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये जो इंसान है, ये जो मसीह का विरोधी है, वो परमेश्वर के भवन में बैठकर, परमेश्वर का भवन मतलब कि इज़राइल, वहाँ से अपना काम शुरू करेगा, और वो अपने आप को मसीह छुड़ाने वाला, वो अपने आप को वो प्रकट करेगा, अपने आप को वो परमेश्वर वो प्रकट करेगा, इज़राइल के अंदर से ये शुरू करेगा। अब देखो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब होगा, पहले ये मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करने से पहले सबसे पहले वो अमेरिका का नाश करेगा। लेकिन वो अमेरिका का नाश क्यों करेगा और कितने वक्त में कर देगा और उसका नाश वो क्यों करना चाहता है, उसका वीडियो मैंने बना कर रखा है जिसकी लिंक मैं आपको दे देता हूं, और उस वीडियो के ऊपर जो मैंने थंबनेल बना कर रखा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो इस वीडियो को देखना तो पता चलेगा कि वो अमेरिका का नाश जो है वो क्यों करेगा। उसके बाद वो इज़राइल में जाएगा और अपने आप को मसीह और परमेश्वर वहाँ इज़राइल में पूरी दुनिया के आगे वो प्रकट करेगा। आखिरी 7 साल, आखिरी सप्ताह जो दानिय्येल भविष्यवक्ता को दिखाए गए थे उसमें आखिरी सप्ताह 17वां सप्ताह ये इसी मसीह के विरोधी का है। और दानिय्येल भविष्यवक्ता के पुस्तक में एक बार फिर से हम पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय उसका 27वां वचन, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये आखिरी सप्ताह उसका है, लेकिन सप्ताह के 2 पार्ट है, क्योंकि आधे सप्ताह तक वो शांति बनाए रखता है और आधे सप्ताह के बाद वो अन्न बलि मेल बलि मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की संगति, वो सब कुछ वो बंद करवा देगा। पहले 3.5 साल जो है वो अपनी शांति वो बनाए रखेगा और वो बलि बंद करवाएगा। इसका मतलब क्या है, उसने बोला होगा कि जिसको जो करना है वो करो लेकिन शांति से रहो, मतलब सब अन्न बलि मिल बलि सब लोग दे सकते थे, सभी लोग अपना अपना काम कर सकते थे, सभी लोग अपने देव देवता को मान सकते थे, कोई लड़ाई नहीं और किसी को कुछ भी उसने नहीं कहा होगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आधे सप्ताह के बाद वो अन्न बलि और मेल बलि बंद करवाएगा। इसका मतलब पहले उसने चालू रखा था जिसको जो करना है वो करो, लेकिन अब वो अपनी शांति वो खो देता है
और परमेश्वर की आराधना वो बंद करवा देता है। अभी देखो ये पहले जो 3.5 साल है और आखिरी 3.5 साल, ये दो जो पार्ट बने हुए, उसमें जो पहला पार्ट है, पहले 3.5 साल है, उसमें क्या होगा, कैसा होगा, इस दुनिया की परिस्थिति क्या होगी, और जब आप ये वीडियो में परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो तो आप अपने आप को उस वक्त में ले जाना कि आप भी जैसे वहीं पर हो उस तरह से आप सुनते जाना, और देखो आपको जो सच्चाई है और कितनी भयानकता है वो सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी वो शांति छोड़ देगा और 3.5 साल के बाद वो अन्न बलि मिल बलि वो बंद करवाएगा। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 7 वचन तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बाहर का जो आंगन है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। वो अन्य जाति मतलब मसीह का विरोधी। फिर आगे पढ़ो। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। वो 42 महीने तक परमेश्वर के भवन को रौंद देंगे। 42 महीना, एक साल होता है 12 महीने का, 24 महीना मतलब 2 साल और 36 महीना मतलब 3 साल, लेकिन यहाँ पर 42 महीना तो 36 और 6 महीने और मतलब 3.5 साल। देखो आधा हिस्सा यहाँ पर बताया है कि वो 3.5 साल तक वो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को रौंद देगा। फिर मैं अपने 2 गवाहों को यहाँ अधिकार दूंगा। परमेश्वर बोलते हैं मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। अभी परमेश्वर उसी वक्त जैसे ही मसीह का विरोधी अपना काम शुरू करेगा, सभी जगह पर शांति बनाए रखने की बात करेगा, तभी परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेंगे, और वो 2 गवाह जो है वो 1260 दिन तक, 1260, एक महीना इज़राइल का जो है वो 30 दिनों का है, 1260, और उसको 30 से उसको डिवाइड कर दो तो आएगा 42, मतलब 42 महीने, मतलब ये भी 3.5 साल की बात है। जैसे ही मसीह का विरोधी खड़ा होगा, वैसे ही परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भी अपना काम करने के लिए परमेश्वर वो भेजने वाले हैं। फिर ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अभी है। ये 2 गवाहों के बारे में भी आपको जानना है तो उसके वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा, और आप उसमें से देख लेना कि 2 गवाह वो कौन है। और आगे पढ़ो। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। ये 2 गवाह इस तरह से परमेश्वर का नाम प्रकट करेंगे कि कोई उनको मारना चाहे तो मुंह से आग निकालेंगे, सामने वालों को भस्म कर देंगे। फिर और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। देखो ये 2 गवाह है, उनको ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो आकाश को बंद कर दे, मतलब बरसात को रोक ले, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। उनको सब पानी के ऊपर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, कि वो लहू भी बना दे। ये 2 गवाह ऐसे वैसे नहीं है, वो पूरे सामर्थ के साथ परमेश्वर का नाम प्रकट करेंगे, और जो को उनको हानि करना चाहे, उनको मारना चाहे, वो अपने मुंह से आग निकाल कर उनको मार देंगे। इतना ही नहीं, वो अकाल लाएंगे इस धरती के ऊपर, और वो पानी का लहू भी बना देंगे, और मालूम नहीं क्या क्या वो लोग कर सकेंगे। और आगे क्या लिखा है? और जब जब चाहे, जब जब चाहे, तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। उनको जो भी मर्जी चाहे वो विपत्तियां ये 2 गवाह लेकर आएंगे। अभी इस तरह से एक और मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, उसे चार और शांति फैला कर रखी। दिन पर दिन बीतते जा रहे, चार और शांति फैलाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी परमेश्वर के 2 गवाह, वो तो पूरे जोरों से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और ये तो मसीह का विरोधी है, तो वो कितनी देर तक सहन कर पाएगा? वो कब तक सहन कर पाएगा कि 2 गवाह प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताता है, कब तक ऐसा चलेगा? और ये 2 गवाह भी कहाँ पर आएंगे?
वो भी इसराइल के अंदर आएंगे, और वो भी इसराइल लोगों को यही बताएंगे कि जिसको आप मसीहा समझ रहे हो, जिसको आप परमेश्वर समझ रहे हो, ये वो नहीं है। हमारा मसीहा तो बरसों पहले आ गए, क्रूस पर मरकर वापस भी चले गए, और हम दो वहीं से आए हुए हैं, हम दोनों परमेश्वर के पास से आए हुए हैं, और वो दो इसराइल जो प्रजा है वो इनकी बात मानेगी। और इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसराइल के लोग वो इन दो गवाहों के पीछे वो चल पड़ेंगे, और मसीह का विरोध देखेगा कि मेरा राज हो तो चला जाएगा। और इसलिए देखो आगे पढ़ते हैं, पढ़ो, जब वे अपना अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब वो अपनी गवाही पूरी कर देंगे, मतलब 3.5 साल, मतलब 1260 दिन बीत चुकेंगे, तो वह पशु जो था कुंड में से निकलेगा, तब वो पशु मतलब मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उनसे लड़कर उनसे जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उन्हें मार डालेगा। इसे सहन नहीं होगा, और 3.5 साल के बाद वो अपनी वाचा को तोड़ देगा और परमेश्वर के इन दोनों गवाहों को मार देगा, अपने औकात पर आ जाएगा, और 3.5 साल इनकी मौत के साथ वो खत्म होंगे। लेकिन ये तो मैंने एक ही बात बताई कि 3.5 साल में क्या होगा कि दो गवाह आएंगे और पूर्ण रीति से वो लोग अपना काम जो है वो प्रकट करेंगे, और हो सकता है उस वक्त टीवी के ऊपर न्यूज़ आती हो, अखबार में न्यूज़ आपको सुनने को मिले कि इसराइल में कोई दो लोग आए हैं, वो तो आसमान से आग बरसाते हैं, वो तो अकाल लेकर आते हैं, वो तो मुंह से आग निकालते हैं, लोगों को भस्म कर देते हैं, वो तो पानी का लहू बना देते हैं। पूरी दुनिया में ये बात फैलेगी और सभी लोग हैरान से रह जाएंगे, ये है कौन, ये है कौन। कई लोग उनको देखने के लिए जाएंगे, मालूम नहीं क्या क्या उस वक्त होगा। लेकिन ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही है। एंटीक्राइस्ट अभी तक तो शांति बनाए रखा हुआ था, अभी तक तो उसने वाचा को थामे हुए रखा था, लेकिन आखिर में उसे सहन नहीं हुआ। हम लोग भी जब किसी को भूत प्रेत होता है और वहां पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, फिर जो भूत प्रेत होता है ना उस आराधना को सहन नहीं कर पाता और उसकी हरकतें बदल जाती है। तो ये मसीह का विरोधी हो, मसीह की बातें कैसे सुन पाएगा? तो आखिर में वो वाचा तोड़ देगा और इन दोनों गवाहों को वो मार देगा। फिर उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। अभी देखो ये मसीह का विरोधी जो है इन दोनों को वो मार देगा। लेकिन इन 3.5 सालों में और भी काम वो चल रहा है। ये तो हमने दो गवाहों का काम देखा, एंटीका शांत बैठा था वो देखा, 3.5 साल के बाद उसने वाचा तोड़ दी वो देखा। लेकिन साथ साथ में 3.5 साल में और बहुत कुछ हो रहा है। जो शुरुआत के 3.5 साल है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु जो वो पुस्तक था जिसको 7 मोहरों से बंद कर रखा था, जो प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में जिसके बारे में लिखा है, वो पुस्तक प्रभु यीशु खोलते जाएंगे। एक के बाद एक मोहर जो है वो खुलती जाएगी। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है उसका 6 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। देखो पहली मोहर खुल गई और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक का श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। एक सफेद घोड़े के ऊपर एक इंसान आया वो जीतने के लिए और जय पाने के लिए वो निकला। सफेद घोड़ा मतलब परमेश्वर की बात मत समझना, ये कोई है शैतान का जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए निकला है। पहली मुहर खुल गई, फिर हम पढ़ते हैं उसका 3रा और 4था वचन, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो दूसरी मुहर खुल गई तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना। आ, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक दूसरा घोड़ा निकला, लाल घोड़ा निकला, और उसने इस धरती के ऊपर से मेल मतलब शांति को छीन लिया। लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। देखो एक जीतने के लिए निकला, एक मेल मतलब शांति उठाने के लिए निकला,
उधर तो गवाह भी काम कर रहे हैं, एंटीक्राइस्ट भी चुप बैठा हुआ है, ये सब कुछ एक साथ में, ये सब कुछ वो चल रहा है। चलते चलते तीसरी मोहर खुलती है, पांच वचन से पढ़ते पांच और छः। तब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, हाँ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सा भेर भर गेहूँ और दीनार का तीन सेठ जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। यहाँ पर लिखा है तीसरा घोड़ा, काला घोड़ा है, ये दर्शाता है कि महंगाई बढ़ेगी, तेल जो सब्जी रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हो और वो तेल जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। गेहूँ चावल महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। देखो ये सारे काम साथ साथ में चल रहे हैं, साढ़े तीन साल में महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत परेशानी इस दुनिया में होगी। फिर आगे पढ़ते हैं उसका सात और आठ वचन। जब उसने चौथी मोहर खोली और चौथी मोहर भी खुल गई तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हैं सुना, हाँ मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखो चौथा घोड़ा है, चौथी मोहर खुल गई और मालूम है धरती कांप, अकाल आग मरी मतलब बीमारियां फैली, इतनी इतनी सारी बातें होने लगी और इस धरती का चौथा हिस्सा मतलब 25% लोग मर गए। सिर्फ हमारे भारत की आज की बस्ती अंदाजे से 140 करोड़ है, 140 करोड़ का अगर चौथा हिस्सा 25% आप मान लो तो होते हैं 35 करोड़। 35 करोड़ तो सिर्फ भारत से मार दिए जाएंगे उस वक्त जब एंटीक्राइस्ट का राज शुरू हो चुका है। 35 करोड़ लोग मार दिए जाएंगे सिर्फ भारत से, तो सोचो अमेरिका कहाँ गया, कनाडा कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया, पाकिस्तान कहाँ गया, अफगानिस्तान कहाँ गया, पूरी दुनिया कहाँ गई, उनके 25% लोग मर जाएंगे, कहाँ दफन करेंगे, कहाँ जलाएंगे, क्या करेंगे उनको, सोचो कितनी बीमारियां फैली होगी उस वक्त। और उधर दो गवाह अभी भी अपना काम कर रहे, वो भी परमेश्वर की बात प्रकट कर रहे, वो भी लोगों को मार रहे अगर नहीं मानते तो, ये सारे काम एक साथ वो चल रहे। फिर आगे पढ़ते उसका वचन नौ। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्हें दी थी वध किए गए थे। अभी पांचवी मोहर खुल गई, पांचवी मोहर में हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जिन लोगों को मसीह के विरोधी के लोगों ने, ऐसा नहीं कि जो एंटीक्राइस्ट आया उसके लोगों ने, लेकिन बरसों से जो सतावट हो रही है और जिन जिन लोगों को प्रभु यीशु के नाम के कारण गवाही के कारण मार दिए गए, उन सभी आत्माओं को स्वर्ग में देखा गया। वो वेदी के नीचे थे और वो लोग परमेश्वर को आवाज़ दे रहे, परमेश्वर हमारा बदला कब लोगे, और तब परमेश्वर उनको बोलते कि शांति रखो, अभी मसीह का विरोधी और भी लोगों को मारने वाला है, सभी की गिनती पूरी हो जाने दो, बाद में मैं बदला लेता हूँ। तो पांचवी मोहर में हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को एक ढाढ़स दिया गया, एक उत्तेजन दिया गया कि शांति रखो, कोई बात नहीं, आप बने रहो परमेश्वर में और देखो मैं आपका बदला जो है वो लेने वाला हूँ। फिर आगे पढ़ते 12 वचन से लेकर 17 वचन तक। जब उसने छठवी मोहर खोली, जब छठवी मोहर खुल गई तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हो गया, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश सूरज था वो कंबल के समान काला और चांद था वो लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आसमान से तारे पड़ने लगे, फिर आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया।
देखो कितना बड़ा भूकंप हुआ, पहाड़ हिलने लगे, टापू इधर उधर होने लगे। और तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि इसका मतलब प्रभु यीशु वो दिखाई देने लगे, अभी आए नहीं है, अभी आना बाकी है, लेकिन को पता चल गया, दिखाई देने लगे जैसे क्या तैयारी हो गई, प्रभु यीशु जैसे आ रहे हैं, बोले इनके प्रकोप से हमको बचा लो, पहाड़ों को बोल रहे कि हमको मार दो, खत्म कर दो, लेकिन मेमने से प्रभु यीशु हमको बचा लो। फिर क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? कोई भी वहां पर ठहर नहीं सकता। देखो इस 3.5 साल में ये सारी बातें हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी भी ये शुरू के 3.5 साल जो है वो चल रहे है। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 1वां वचन, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा, 7 स्वर्गदूत देखे गए जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहिया दी गई। अभी देखो 7 स्वर्गदूत दिखे गए और उनके पास 7 नरसिंगे या 7 तुरही जो है उनके हाथों में है। अभी भी विपत्ति चालू है, उधर दो गवाह भी काम कर रहे हैं, मरी भी फैली हुई है, धरती कंप भी हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है। और देखो आगे पढ़ते उसका 7वां वचन, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। अभी देखो जैसे पहले ने तुरही बजाई, आसमान से ओले गिरे, बर्फ, लेकिन बर्फ में आग थी, सोचो आग में तो बर्फ पिघल जाता है, ये कैसे ओले होंगे जो आग वाले ओले हैं? इतना ही नहीं उसके साथ लहू भी है, मालूम नहीं कौन सा लहू है, कैसा लहू है, आसमान से लहू, बर्फ, ओले और आग, ये सब कुछ साथ में गिरने लगेंगे। उधर दो गवाह भी काम कर रहे हैं, ये काम भी यहाँ पर हो रहा है। फिर आगे पढ़ते उसका 8वां वचन, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। अभी देखो समुद्र में कुछ गिरा और समुद्र का 1/3 33.33% पानी वो तो लहू बन गया। फिर आगे पढ़ते उसका 10 और 11 वचन, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मसाल के सामान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है। अभी क्या हुआ, नदियों पर, झरनों पर कुछ हुआ, नागदोना मतलब जहर, और पढ़ो आगे, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, मतलब 33.33% पानी वो जहरीला हो गया। अब पीने का पानी भी, वो तो पहले समुद्र का पानी हुआ था लहू, अभी पीने का पानी भी लहू हो गया। उधर तो गवाह भी काम कर रहे, मरी भी फैली हुई है, 25% लोग मरे भी जा रहे, सब कुछ साथ में हो रहा है, और यहाँ जो जिंदा है उनका पानी 33.33% वो तो लहू बन गया। ये सब कुछ 3.5 साल में हो रहा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 12वां वचन, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। और ऐसा हुआ अंधकार छा गया, जब तुरही फूंकी गई तो अंधकार छा गया, 1/3 जो है उसमें अंधकार छा गया। लेकिन मालूम ये सब किसको होने वाला है, ये पूरी दुनिया को नहीं होने वाला है, ये किसके साथ होने वाला है? हम आगे भी पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय
और पहले वचन से लेकर चार वचन तक हम पढ़ते हैं। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तोरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छों की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं, परमेश्वर की मुहर मतलब पवित्र आत्मा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उनको परेशान करो। एक बड़ी भट्टी सा धुआं, अधोलोक उसको खोला गया और अधोलोक में जो स्वर्गदूत बांधे हुए हैं, जिन्होंने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया था, ये मत समझो वो अभी बाहर है, खुले है। शैतान के साथ जो सेना है ना, वो स्वर्गदूतों की सेना नहीं है, क्योंकि दूसरा पत्रस 2:4 और यहूदा की पत्री 1:6 पढ़ लेना, जिन स्वर्गदूतों ने गुनाह किया, पाप किया, उनको तो नरक में बांध कर रखा था, उन सभी को खोल दिया गया। अब इस धरती पर इतनी दुष्टात्मा है, इतनी दुष्टात्मा आई कि लोगों को परेशान कर देगी, लेकिन किसको? जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया तो ये दिन बहुत जल्द आने वाला है, उससे पहले पवित्र आत्मा पालो। ये बहुत ही भयानक से दिन है। देखो टिड्डियां निकलेगी, ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और जिनके पास पवित्र आत्मा ने उन सभी को काटेगी। लोग मौत के लिए तड़पते रहेंगे लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी, कैसी हालत होगी। उधर तो गवाह अभी भी काम कर रहे हैं इसराइल में, एंटीकाइस्ट अभी भी ये सब कुछ देखता रहा है कि परमेश्वर भी लोगों को, मेरे लोगों को परेशान कर रहे, क्योंकि जो उनकी मुहर वाले हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, जो उसको मानते हैं उसके पीछे चलते उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही, वो ये सब कुछ देख रहा है, सहन कर रहा है। और देखो दुनिया में ऐसे हालात वो छा रहे। फिर बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 13, 14 और 15 वचन। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसकी सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। हाँ, यहाँ पर चार लोगों की बात की है। ये चार लोग कोई और नहीं, ये मसीह के विरोधी के लोग हैं, जिनको अभी तक रोक कर रखा था उनको भी बोल दिया अभी तुम भी काम करो। और देखो ये सभी लोग दुनिया पर उन लोगों को परेशान कर रहे जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, और वो लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे जिनके पास उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं, उन लोगों के हालात बहुत ही खराब होने वाले। दो गवाह वहाँ पर काम कर रहे, और ये मत समझो कि उस वक्त आप पश्चाताप कर लोगे और पवित्र आत्मा पालोगे। उस वक्त पवित्र आत्मा का काम पूर्ण रीति से बंद है, जिनके अंदर है उनके अंदर ही काम कर रहे, अब किसी नए के अंदर काम नहीं करने वाले, किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर मेरे अंदर है तो मेरे लिए, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा तो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसको चंगाई नहीं मिलेगी, कोई भूत प्रेत नहीं निकलेगा उस वक्त, वो मेरे लिए है, बस मेरे लिए काम करेंगे, मुझे बचाए रखेंगे। जिसके पास पवित्र आत्मा होंगे, पवित्र आत्मा सिर्फ उनकी रक्षा करेंगे और किसी की भी नहीं, किसी का कुछ भी हल नहीं होगा। देखो ये 3.5 साल में कैसी कैसी बातें हो रही है, 25% लोग मरे जा रहे, उसके सिवा और भी लोग जो पानी लहू बन गया उसके कारण मरे जा रहे। उस इंसान ने आकर धरती के ऊपर से मेल ले लिया, शांति ले ली, और लोग एक दूसरे को मारकर भी मर रहे। चारों ओर देखो वातावरण कैसा होगा, कितना भयानक वातावरण होगा, बहुत ही भयानक वातावरण होगा। और दो गवाह भी वहाँ पर काम कर रहे, कैसी परिस्थिति वो होगी। अब मसीह का विरोधी जो है वो ये सब कुछ नहीं देख पाएगा, और आखिर में वो अपनी वाचा जो है वो अपनी वाचा तोड़ देगा। और प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 7वां वचन।
जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथक उनमें से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अभी ये पशु, ये मसीह का विरोधी, ये एंटीक्राइस्ट उन दोनों गवाहों को मार देगा, अपनी वाचा तोड़ देगा। मैं 3.5 साल खत्म हो गए, अब आखिरी 3.5 साल बाकी। वो सब कुछ तो हो ही रहा था, वो अभी भी चालू है, मरी फैल रही है और 25% लोग मरे जा रहे हैं, पानी का लहू है, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। और अभी मसीह के विरोध ने भी काम करना शुरू कर दिया, जो भी तक बैठा रहा था उससे परमेश्वर के दो गवाह को मार दिया, उनको उसने खत्म कर दिया। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देखो, पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, ये मसीह के विरुद्ध के पास ये अधिकार है, मार देगा वो पवित्र लोगों को। अभी जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, ये मसीह का विरोधी ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर वो मारने का प्रयत्न करेगा, जय भी पाएगा, वो कई लोगों को वो खत्म भी कर देगा। फिर आगे पढ़ते उसका 11 और 12 वचन, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। एक और पशु मतलब झूठा भविष्यवक्ता, जो एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी है, उसका साथी है, वो आएगा। उसके मेमने के से 2 सिंह थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम ले आता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता कराता था। ये क्या करेगा अभी झूठा भविष्यवक्ता? लोगों को बोलेगा ये एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी जो है, ये शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा करता हूँ, वो नहीं करने वाला कि एंटी क्राइस्ट ये मसीह का विरोधी, वो तो बोलेगा ये हमारा मसीहा है, उसकी आराधना करो। और वो लोगों से कहेगा इसकी आराधना करो, इसकी आराधना करो, वो आराधना करवाएगा। फिर आगे पढ़ उसका 13 वचन, वहाँ बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। हाँ, ये बड़े बड़े चमत्कार करेगा, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वो आसमान से आग भी बरसाएगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा और कई लोग उसके पीछे पागलों की तरह भागेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। फिर आगे पढ़ उसका 14 और 15 वचन, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी जाएगा, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अभी देखो ये क्या करेगा, लोगों से बोलेगा कि एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी जो है उसकी मूर्ति बनाओ, ये कितना महान है, ये कितना सामर्थ्य है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो। और जितने लोग मूर्ति ना बनाए, जितने लोग उसकी पूजा ना करे उनको मरवा देगा। अभी सोचो उसकी पूजा कौन नहीं करेगा, उसकी मूर्ति कौन नहीं बनाएगा, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। जिस तरह 7 रकमेश उस मूर्ति की पूजा नहीं की थी, उसी तरह से ऐसे चलने वाले लोग जो है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए, सिर्फ वही लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग ना तो मूर्ति बनाएंगे ना मूर्ति की पूजा करेंगे। मसीह के विरोधी के वक्त ऐसे लोग है, परमेश्वर को मानने वाले लोग है, और वो इस तरह से काम करेंगे कि मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति बनाएंगे भी नहीं, तो ये बोलेगा इसको मार दो, इसको खत्म कर दो। देखो कितने भयानक से दिन है, बहुत ही भयानक से ये दिन है। फिर आगे पढ़ते उसका 16 और 17 वचन, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करवा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप पत्थर तो उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई अन्य कोई लेन देन न कर सके। अभी देखो ये क्या करेगा, एक निशान बनाएगा, एक मुहर बनाएगा एंटीक्राइस्ट की, और बोलेगा जितने मसीह के विरोधी के है, मतलब ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो मसीहा ही बोलेगा, जितने लोग इसके हैं वो अपने सर के ऊपर यहाँ पर या तो अपने दाहिने हाथ पे यहाँ पर बोले मुहर ले लो, उसकी मुहर ले लो, और जितने लोग वो मुहर लेंगे वही खरीद पाएंगे, वही बेच पाएंगे,
वही लेन देन कर पाएंगे, वही जॉब कर पाएंगे। जैसे अभी इस दुनिया में वैक्सीन को लेकर हो रहा है, वैक्सीन नहीं तो जॉब नहीं, दो डोज लेकर आओ, तीसरा बूस्टर डोज लेकर आओ, बस उससे कुछ ज़्यादा ये होने वाला है। और मसीह के विरोधी की मोहर नहीं तो आप लेन देन नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। खाने की जरूरत तो आपको पड़ेगी, सब्जी की जरूरत तो पड़ेगी, दूध की जरूरत तो पड़ेगी, कहाँ लेने के लिए जाओगे, क्या करोगे? और अगर वो मुहर नहीं है तो परमेश्वर के लोग जाए कहाँ? चलो बात की बात है, लेकिन ये सब बातें उस वक्त होने वाली है। अभी देखो परमेश्वर भी, वो भी अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, वो भी साथ साथ में काम करते हैं। और बाइबल में पढ़ते हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसका पहला वचन। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अभी देखो आखिरी सात विपत्तियां, ये आखिरी 3.5 साल में वो परमेश्वर भेजेंगे। पहले जो हो रही थी वो तो चालू ही है, मरी चालू ही है, पानी का लहू है ही है, वो अभी वापस पानी नहीं बना, जो था वो तो है ही है, जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है। लेकिन अभी और विपत्ति और परमेश्वर के क्रोध के साथ कटोरे, और देखो इन कटोरों में क्या क्या है, कैसा कैसा भरा हुआ है। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका दूसरा वचन। अतः पहले स्वर्गदूतों ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। जो मसीह के विरोधी के लोग हैं, जो उसकी मुहर लगकर बैठे और जिन्होंने मुहर नहीं ली उनको लोग मारने के लिए आ रहे, उनको परेशान करने के लिए आ रहे, तो साथ साथ में वो लोग भी परेशान हो रहे जिनके पास वो पशु मतलब मसीह के विरोधी की मुहर लगी हुई है सर के ऊपर या हाथ के ऊपर, उनको बड़े बड़े फोड़े निकल आ रहे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं बड़े बड़े फोड़े, उससे भी बड़े बड़े फोड़े लोगों को निकल आएंगे। और फिर आगे पढ़ो उसका तीसरा वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, जब दूसरा कटोरा उंडेला गया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। देखो समुद्र का पानी लहू हो गया, समुद्र में जितने थे पशु पंछी सब कुछ मर गए। सोचो कोई भी मर जाता है फिर उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, कितनी दुर्गंध फैलेगी, कितनी बदबू आएगी, कैसे रहोगे उस वक्त? लेकिन उस वक्त ये सब कुछ होने वाला है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका चौथा वचन। तीसरे सदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वदूतों को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था दुनिया ही है। देखो पीने का पानी भी लहू हो गया, तीसरा हिस्सा तो हो ही चुका था पहले, अभी बाकी जो पानी बचा पीने का 100% वो भी लहू हो गया। कैसे जीने का उस वक्त, कैसा होगा उस वक्त? लेकिन ये सब कुछ उस वक्त धरती पर होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है ये सब कुछ होकर ही रहेगा। फिर आठवां वचन पढ़ो उसका। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अभी देखो सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि लोग मर जाएंगे उससे, आपका एसी काम नहीं आएगा, कूलर पंखे की तो बात ही छोड़ो, एसी भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है इन सारी बातों से बचे रहोगे, लोगों को गर्मी लगेगी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा पहले हो चुका है। निर्गमन का पुस्तक पढ़ना, उसके 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक पढ़ना, वहाँ पर मिस्र देश में जितनी भी परेशानियाँ आई, जितनी भी विपत्ति आई, लेकिन उसी जगह पर जो परमेश्वर के लोग इज़राइल के लोग थे उनको कोई विपत्ति नहीं थी। इनके घर में पानी का लहू हो चुका था लेकिन जहाँ पर इज़राइल रहते थे वहाँ पानी का लहू नहीं हुआ था। इनके ऊपर मेढक आते थे लेकिन जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहते थे वहाँ पर मेढक नहीं आता था। अगर परमेश्वर की मुहर होगी, पवित्र आत्मा से आप भरे होंगे,
तो आपको ये सारे विपत्तियां परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा पाना बहुत ही जरूरी है। और देखो, पीने का पानी वो लहू हो गया, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग झुलस झुलस कर मरने लगे। फिर आगे पढ़ते उसका 10वां वचन, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अभी देखो अंधेरा छा गया, पहले भी तीसरे हिस्से पर अंधेरा था, अभी बहुत अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। देखो अंधकार में सब पागल हो गए, अपनी अपनी जबान चबाने लगे। कैसा होगा उस वक्त, कैसे हालात होंगे, कैसी परिस्थिति होगी। फिर आगे पर तो उसका 11वां वचन, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। अभी फरात नदी के ऊपर एक कटोरा उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। कि अभी कई लोग जो है वीडियो बना बना कर डाल रहे, फरात नदी सूख गई, ये कटोरा उंडेल दिया गया। अभी ये नहीं हुआ है, ये तो होने वाला है। हाँ, उसकी शुरुआत हुई अभी तक, फरात नदी की सूखने की शुरुआत हुई, लेकिन ये सारी विपत्तियाँ जो है एक साथ में आएगी। ऐसा नहीं कि फोड़ा आकर चला गया, जिस तरह से मिस्र में होता था, पानी का लहू, फिर वापस पानी बना दिया, फिर मेढक आए, फिर मेढक को ख़त्म कर दिए, फिर मक्खी आई, फिर मक्खी को भगा दिया, फिर टिड्डियाँ आई, ऐसे नहीं। ये आखिरी दिन में तो सब कुछ जो पहला आया वो तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा भी आएगा वो भी रहेगा, पहला दूसरा तीसरा भी आएगा। इस तरह से लगातार विपत्तियां वो चलती रहेगी। और फिर आगे हम पढ़ते उसका 17वां वचन से लेकर 21वां वचन तक, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे बड़े बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। देखो इतना बड़ा भूकंप आएगा, बड़े बड़े शहर के 3-3 हिस्से हो जाएंगे। फिर और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। देखो टापू अपनी जगह से टल जाएंगे और पहाड़ों का पता नहीं चला। आकाश से मनुष्य के ऊपर मन मन का बर्फ ओले गिरे। मन मतलब 40 किलो, 40 किलो का बर्फ पड़ेगा ऊपर से नीचे, सोचो कैसे बच पाओगे। ये सब कुछ हो रहा है, साथ साथ में जो मसीह का विरोधी है उसके लोग है, वो मूर्ति की आराधना करवा रहे हैं, वो लोग भी चमत्कार कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी मुहर दे रहे हैं। जो लोग मुहर नहीं लेते वो लेन देन नहीं कर सकते, उनको मार रहे हैं लोग। जो पशु की आराधना नहीं करते, मसीह के विरुद्ध की आराधना नहीं करते, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करते, उसको ये लोग मरवा रहे। ये सारे काम एक साथ में इस धरती के ऊपर हो रहे हैं। सोचो ये धरती का नजारा कैसा होगा। और पढ़ो आगे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। हाँ, लोगों ने निंदा की क्योंकि पवित्र आत्मा थे नहीं, इसलिए पश्चाताप तो क्या करो। और समझो अब पिछले 3.5 साल जो है वो भी अभी खत्म हो रहे, अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर अभी वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी उसका आखिरी दिन जो है वो अभी बाकी है। 7 साल जो मसीह के विरोधी को दिए गए थे वो 7 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी आखिरी दिन जो है वो आखिरी दिन अभी बाकी है। अभी देखो क्या होगा। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और हम पढ़ेंगे उसका 1, 2 और 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में था कुंड की कुंची और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया
और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। अभी देखो प्रभु यीशु आए और उन्होंने शैतान को 1000 साल तक उसको अथाह कुंड में डालकर उसके ऊपर ढक्कन मार दिया, उसे वहाँ पर बंद कर दिया। ये आखिरी दिन है, प्रभु यीशु अब ऊपर से नीचे अपने लोगों को लेने के लिए और मसीह के विरोधी को मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो शैतान है, उस शैतान को उन्होंने बांध दिया, एक खड्डे में था कुंड में उसको डाल दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया ताकि वो 1000 साल तक वो वहाँ से बाहर ना निकले। ये आखिरी दिन है, 7 साल का आखिरी दिन, और फिर प्रभु यीशु ऊपर से नीचे आएंगे। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जो लोग वहाँ पर छुप गए थे पहाड़ों के पास, ये उस दिन की बात है। अभी दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी आ भी गए प्रभु यीशु, अभी प्रभु यीशु आ गए और अपने लोगों के साथ स्वर्गदूतों को लेकर आए। और पढ़ो आगे, वह तोरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये देखो एंटीकाइस के जो 7 साल है और उसमें जो आखिरी दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे क्लेश का अंत, मसीह के विरोधी का अंत, शैतान को भी 1000 साल के लिए बंद, और परमेश्वर के लोगों ने जो आज तक जो सहन किया उनके लिए छुटकारे का दिन, उनके लिए हमेशा के लिए स्वर्ग में जाने का दिन, 1000 साल के राज का दिन। लेकिन देखो वो कैसे होगा, प्रभु यीशु आएंगे और अपने स्वर्गदूतों को इस धरती के चारों छोर में भेजेंगे और बोलेंगे कि जाओ मेरे पसंद किए हुए जो लोग हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। पसंद किए हुए लोग मतलब जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो लोग। लेकिन ये होगा कैसे, हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकी उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तोरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले क्या होगा, पहले जो मुर्दे थे ना वो जिंदा हो जाएंगे। कौन से मुर्दा, जो परमेश्वर के भीतर जीवित थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के कारण को मार दिए गए थे, जो परमेश्वर की गवाही देने के कारण जिनको मार दिए गए थे, ऐसे लोग वो लोग पहले जिंदा हो गए, वो लोग पहले जिंदा हो गए। और फिर बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और 50 से लेकर 52। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। हाँ, जब प्रभु सोएंगे अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तो जो लोग जिंदा है तो क्या लिखा है, लहू और मांस स्वर्ग में नहीं जा सकता, इस तरह से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो क्या होगा, जितने लोग जो प्रभु में मुर्दा थे उनकी आत्मा आएगी और उनकी आत्मा आएगी और वह कब्रों में जाएगी और वहां से नया शरीर धारण करके उठेगी और फिर जो लोग जिंदा है वो लोग बदल दिए जाएंगे और रूपांतरित हो जाएंगे, उनको स्वर्गीय शरीर मिलेगा, ये नाशवान शरीर चला जाएगा। तो जितने हम जिंदा होंगे उस वक्त वो बदल जाएंगे। फिर पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकी उसका 4वां अध्याय उसका 15वां वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो सोए हुए हैं उनसे पहले हम नहीं जाने वाले। फिर पढ़ो उसका 13 और 14 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं,
क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए है उसी के साथ ले जाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर में सो चुके उनको प्रभु अपने साथ लेकर आएंगे, उनको साथ लेकर आएंगे, और उनकी आत्माएं अपने अपने कब्रों में जाकर नया शरीर धारण करेगी। फिर 16 और 17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी देखो जितने जिंदा थे वो बदल गए, जो प्रभु में मुर्दा थे वो जिलाए गए नए शरीर के साथ, ये सभी लोग साथ में ऊपर चले गए बादलों के ऊपर, और प्रभु उसके साथ वो लोग बादल में वहाँ पर ठहरे गए। अभी भी धरती है, अभी भी नीचे एंटीक्राइस्ट है, झूठा भविष्यवक्ता है, और अभी भी उसकी मुहर लेने वाले सभी अभी जिंदा है। अभी तो ये लोग यहाँ से ऊपर गए, ये लोग देखते रह गए कहाँ गए कहाँ गए, अचानक से सब कुछ हो गया, सब लोग गायब, और सब लोग देखेंगे क्या हो गया, और देखेंगे ऊपर तो प्रभु यीशु, उनकी सेना, स्वर्गदूत, और जितने भी प्रभु यीशु में पहले मर चुके थे वो लोग नया शरीर धारण कर, और जो लोग जिंदा थे वो भी वहां पर नया शरीर धारण कर वहां पर आसमान में बादलों में वो लोग वहां पर है, और नीचे सारे लोग है। अभी नीचे सारे लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह जो है वो हमको मारेंगे, चलो हम उनको मारते। फिर दूसरा थिस्सलुनीके में ऐसा लिखा, दूसरा थिस्सलुनीका उसका दूसरा अध्याय उसका 8 वचन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, वह अधर्मी मतलब मसीह का विरोधी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार देंगे, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। देखो अपने आगमन से, आगमन के प्रभाव से उसको मार देंगे, मतलब मसीह के विरोधी को कब मारेंगे, जब प्रभु यीशु ऊपर से आएंगे उस वक्त उसको मारेंगे, मतलब अब उसके साथ लड़ाई होगी। हम सभी तो ऊपर चले गए बादलों पर, और फिर वहां से लड़ाई करने के लिए हम वापस आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। एंटीक्राइस्ट मसीह का विरोधी, उसका झूठा भविष्यवक्ता, और जितने उसकी मुहर लगकर बैठे वो सारे लोग वो प्रभु यीशु से लड़ेंगे, मेमने से लड़ेंगे और जय पाएंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना जय पाएगा, मेमना जय पाएगा, फिर क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने देखो हुए, जो बुलाए हुए जो चुने हुए लोग है, और विश्वासी है और विश्वास योग्य लोग जो उसके साथ है, जो प्रभु के साथ है वे भी जय पाएंगे, वो भी जय पाएंगे। जितने लोग हम ऊपर चले गए थे बादलों में प्रभु के साथ, हम भी वापस उन्हीं लोगों के साथ लड़ने के लिए आएंगे जिन्होंने हमको परेशान किया था, जिन्होंने बोला था कि आपके पास मसीह के विरुद्ध की मोहर ने हमको लेन देन नहीं करने देंगे, इसकी मूर्ति की पूजा करो हम तो मार देंगे। अब हमारी बारी है बदला लेने की, और प्रभु यीशु के साथ हम लोग आएंगे, और हम भी उनके साथ लड़ेंगे, और प्रभु यीशु के साथ साथ हम भी विजय पाएंगे। ये दिन है एंटीक्राइस्ट को जो 7 साल दिए है, उसमें का आखिरी दिन, उस दिन ऐसा होगा। अभी देखो क्या होगा, लड़ाई तो हो गई, अभी भी हम लोग वहीं पर है बादलों पर, क्योंकि वहां से परमेश्वर तो आग डालेंगे और इन सभी को भस्म कर देंगे इस तरह से, क्योंकि लड़ाई कोई ऐसी नहीं कि हथियार ले लेकर उनको लड़ना है। हमारे परमेश्वर इतने कमजोर नहीं कि उनको ऐसे लड़ाई करनी पड़ेगी, वो तो बस तो भी मर जाएंगे लोग, एक फूंक मारेंगे तो भी। लेकिन देखो प्रभु यीशु को किस तरह से मारेंगे वो बाइबल में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 28, 29, 30 वचन, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के समय में हुआ था। लूत में क्या हुआ था कि सदोम और अमोरा में आग लग गई थी, लेकिन पहले लूत को बाहर निकाल दिया था और आग से सदोम और अमोरा को जला दिया था। हाँ पढ़ो, और लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु प्रकट होंगे उस दिन ऐसा ही होगा। मतलब जिस तरह सदोम और गोमोरा में आग डाली गई उसी तरह से एंटी क्राइस्ट,
उसके राज के ऊपर मतलब इस धरती के ऊपर आसमान से आग बरसाई जाएगी और सभी लोगों को भस्म कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक नहीं रहेगी, सभी कुछ भस्म। जितने भी इंसान थे, जिन लोगों ने मसीह के विरोध की मोहर ली थी, जितने मसीह के विरोध की आराधना करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, उसकी मोहर लेकर बैठे थे, जो मसीह के लोगों को सताते थे, उन सभी का नाश हो जाएगा, सभी लोगों को भस्म कर दिया जाएगा आग से, पूर्णतः से उनको जला दिया जाएगा, ये सारे भस्म हो जाएंगे, जैसे राख होती है ना वैसे सारे राख हो जाएंगे। और फिर ये सारी बातें नबूकदनेस्सर को सपने में बताई थी, जिसमें एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी और उस मूर्ति को एक पत्थर ने मतलब प्रभु ने उसको मार मार कर उसका भूसा बना दिया। ये वही बात है, ये सारे भूसा नहीं लेकिन भस्म बन गए। फिर दानियल भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका दूसरा अध्याय दानियल 2 उसका 35 वचन, तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। यहाँ पर लिखा है कि वो सारे भस्म जो है ऐसी हवा आएगी उसको उड़ा कर लेकर चली जाएगी। जो आग आएगी ना वो इस धरती के पेड़ पौधों को कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ इस संसार के लोगों को, मसीह के विरोधी के लोगों को, मसीह के विरोधी को और उसके साथ जितने भी थे इन लोगों को तो जिंदा वो लोग परमेश्वर उनको डाल देने वाले अथाह कुंड में, लेकिन उसके जितने भी लोग हैं सभी को परमेश्वर आग से जला देंगे, भस्म कर देंगे। और ऐसी हवा आएगी कि वो हवा इस सारे भस्म को उड़ा कर लेकर चली जाएंगी। और देखो परमेश्वर कौन कौन सी बात जलाएंगे, तो हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, इंसान काम किए ना, ये ट्रेन है, ये बस है, रॉकेट है, ये गाड़ियाँ है, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, अब इनकी क्यों जरूरत नहीं, ये सारा कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सभी के घर रहेंगे, हरियाली रहेगी और बाकी सब कुछ परमेश्वर जलाकर भस्म कर देंगे। हवा आएगी, इस सभी भस्म को उड़ा कर लेकर चली जाएगी और जैसे ही ये सारी राख चली जाएगी तो मालूम है धरती कैसी बन जाएगी, जो परमेश्वर शुरू में आदम और हवा के लिए जो एदन वाटिका बनाई थी ऐसी धरती हो जाएगी, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल स्वच्छ और धरती एदन बाग के समान हो जाएगी। और अब क्या होगा मालूम है, जितने लोग उस बादल के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे, प्रभु यीशु सभी को लेकर अभी इस धरती पर आएंगे। जिस तरह से नबूकदनेस्सर ने देखा था कि वो जो छोटा पत्थर काट कर निकाला गया था लेकिन किसी के हाथ नहीं दिखाई दिए थे, जिसने पूरी मूर्ति को खत्म कर दिया, उसका एक बड़ा पहाड़ बन गया और जिससे सारी धरती भर गई। ये प्रभु यीशु की बात और प्रभु यीशु के लोगों की बात है। अब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेकर ऊपर से नीचे आएंगे और पूरी धरती वो सिर्फ 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 पवित्र लोगों से, परमेश्वर के लोगों से भर जाएगी और प्रभु यीशु हमारे साथ होंगे, हम उनके साथ होंगे। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है उसका अध्याय 20 उसका 4 वचन, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर लिखा है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका सर गवाही देने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के कारण काट दिए गए थे। सिर्फ वही आत्माओं को देखा, वो जिंदा हो गए। फिर 5वां वचन क्या लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। शेष मरे हुए मतलब जो शैतान के लोग थे, जो एंटीकास्ट के लोग थे,
उनकी आत्माएं अभी तक जिंदा नहीं हुई। ये हजार साल में सिर्फ वही लोग जिंदा है जो प्रभु यीशु की गवाही के कारण और आज्ञाकारी के कारण जिनको मार दिए गए थे वही जिंदा हुए। लेकिन चौथे वचन में लिखा है कि मैंने सिंहासन देखे और सिंहासन के ऊपर लोग बैठे होते जिनको न्याय करने को बोला गया। यहाँ तो सारे लोग पवित्र, ये सारे आज्ञाकार लोग, तो इनका न्याय, इनका क्यों न्याय करना, इनका कैसा न्याय करना, ये कौन सा न्याय करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनका न्याय होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कौन से न्याय की बात कर रहे हैं। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका तीसरा अध्याय और 10 वचन से लेकर 15 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह के मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होना, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर होगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल पा जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यहाँ पर लिखा है कि जिसने जैसा काम किया है वैसा उसको बदला मिलेगा, उनके कामों को आग में डाल दिया जाएगा और काम बच गया तो उनको अच्छा बदला मिलेगा। किसी ने सोने के समान काम किया है, किसी ने चांदी के समान काम किया है, किसी ने बहुमूल्य पत्थर के समान काम किया है, किसी ने लकड़ी के समान काम किया है, किसी ने घास के समान काम किया है, किसी ने भूसे के समान, लेकिन आग से उसको परखेंगे। और जिसका काम जल जाएगा उसको हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन वो अपना बच जाएगा जैसे आग से, मतलब वो नरक में नहीं जाएगा। मतलब हजार साल में वही लोग हैं जो बचाए गए, लेकिन उनका न्याय होगा। कैसा न्याय? कि परमेश्वर ने सभी लोगों को कोई ना कोई काम तो दिया है, किसी को आराधना करने का, किसी को वचन फैलाने का, किसी को गवाही देने का, अलग अलग काम देते हैं परमेश्वर। जो भी काम है आपने कितनी ईमानदारी से किया, कितने आत्मा आप बचा पाए। जैसे प्रभु ने कहा था कि एक व्यापारी वो सभी को मुहर देकर गए और बोला उनको कि मैं आऊँगा तभी सब लूँगा, और पहला जो था उसने 10 मुहर पैदा कर ली, दूसरा था उसने 5 मुहर पैदा कर ली, लेकिन तीसरे ने मुहर को दफन कर रखा था। ये इसी तरह काम, किसने कितना काम किया उस तरह से हिसाब लिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी ने सोने के समान, किसी ने चांदी के समान, पत्थर के समान, लकड़ी के समान, घास के समान, भूसे के समान लोगों ने काम किया, लेकिन वो खुद तो बचाए गए हैं, वो खुद तो बच गए हैं। अभी समझो ये सारे बचाए गए, लेकिन जिसने जैसा काम किया होगा ना वैसा उसको बदला मिलेगा। अभी यहाँ पर 1000 साल में कौन सा बदला और कैसा बदला? और लूका में हम पढ़ते, लूका उसका 19वां अध्याय और 17, 18 और 19 वचन। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासयोग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। देखो, जिसने 10 मोहर कमाई तो मालिक ने क्या बोला, तू 10 शहर का अधिकारी हो जा। जिसने 5 मोहरें कमाई उसको बोला 5 शहर का अधिकारी हो जा। जिसने जैसा काम किया होगा ना उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। जिसने ज़्यादा काम किया, अच्छा काम किया, उसको ज़्यादा, और जिसने कम उसको कम। हाँ, 1000 साल में ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद जब हम स्वर्ग में लिए जाएंगे तब सब एक समान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस धरती के ऊपर तो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा भी होगा, जिसने जैसा काम किया है वैसा उसको बदला दिया जाएगा। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4, 5 और 6 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए,
और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये हजार वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो पहले पुनरुत्थान में सहभागी है वो धन्य और पवित्र है। ये एंटी क्राइस्ट के जो 7 साल है उसमें आखिरी दिन की बात है। आखिरी दिन बहुत कुछ होने वाला है। एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को उठाकर आग की झील में डाल देना, फिर जो बाकी के लोग हैं उनको आग से भस्म कर देना, फिर हवा का आना, भस्म कूड़ा कर लेकर चले जाना, परमेश्वर के लोगों का नीचे आना, उनका न्याय होना और सभी 1000 साल तक राज करेंगे। तो इस तरह से ये 7 साल वो पूरे होंगे। बहुत भयानक भी है, लेकिन जितने परमेश्वर के पीछे चल रहे ईमानदार से चल रहे उनके लिए आखिरी दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर में बने रहो, और अभी तक अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा को पालो। और अभी इस वीडियो को आप देखो।